हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और काफ़ी दिनों से मैं व्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि 4 दिन पहले मैंने ली थी यहाँ पे बूस्टर शॉट और मेरी थोड़ी हालत ख़राब हो गई थी। बट मैं आज निकला हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पे कैसे टाइप के इंडियन स्टोर होते हैं या तो एशियन स्टोर होते हैं जहाँ से हम चीज़ें खरीदते हैं और क्या क्या चीज़ें हम बेसिकली खरीद सकते हैं जो आपको सोचनी नहीं पड़ेगी इंडिया से लाने के लिए। जो मेरे पीछे है वो है हाउटबनहॉफ। बहुत अच्छी लाइट पड़ रही है और ये यहाँ की शॉपिंग स्ट्रीट है और यहीं पे है वो एशियन स्टोर। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि एशियन स्टोर से आकर क्या क्या ले सकते हैं। ये किक करके स्टोर है, काफ़ी फेमस है, काफ़ी सस्ते सामान मिलते हैं यहाँ पे। और जो मैं एशियन स्टोर की बात कर रहा हूँ वो मॉल में है, इस सेकेंड फ्लोर पर जहाँ पर हम जा रहे हैं। लेट्स गो। तो ये वो सेक्शन है यहाँ पर जहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रखे हुए हैं। काफ़ी मतलब इंडिया जैसे ही है, इंडिया का कोई सुपरमार्केट टाइप ही है। और यहाँ पे वो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो सुपरमार्केट में अच्छे से नहीं मिलती है और यहाँ पे वो फ्रेश मिलती है। ये वो सेक्शन है जहाँ पे सारी दालें हैं, बहुत तरह की दालें मिलेंगी, सब कुछ ही ऑलमोस्ट मिल जाएगा। मूँगफली मिल जाएगी जिसके लिए मैं आया था, तो एक मूंगफली का पैकेट तो रख ही लेते हैं। ये वाली दाल मेरी फेवरेट है, तूर दाल या अरहर दाल बोलते हैं। इसका 1 kg है 3.85 यूरोस का, ठीक ही है। और यहाँ पे है छोले, 1 kg है ये 2.9 यूरोस में। तो ये सब प्राइस है यहाँ पे। वहाँ पे है राजमा, वो भी 1 kg है 3 यूरो का। यहाँ पे ओ राजमा बहुत ही महंगा यार, 1/2 kg है ये 2.39 यूरोस का। बाप रे। और ऐसी रोटी मिल रही है, 6 pieces है इसमें 1.7 यूरोस की। और आई थिंक मैं ये भी लेता ही हूँ। तो यहाँ पे मुझे दिखा ये पराठे मिल रहे हैं 5, 2.3 यूरोस के। और सबसे इंटरेस्टिंग मुझे ये लगा यहाँ पे, अजवाइन पराठे, पीज़ का पराठा, गार्लिक नान। और ये मस्त लग रहा है यार, ग्रीन पीस पराठे, ये भी है। ये 4 pieces हैं 2.3 यूरोज में, बट मेरा मन कर रहा है। यहाँ पे ऐसी आती है सब चीज़ें फ्रोज़न सेक्शन में, बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं और आप ले लो और घर पे जाके बस गर्म करो। जैसा मैंने आपको बताया कि ये एशियन स्टोर है, तो यहाँ पर काफ़ी जापनीज़, चाइनीज़ और कोरियन चीज़ भी रखी हुई है, तो आप वो सब भी ले सकते हो आपका मन है तो। ये यहाँ पे सुपर स्पाइसी एशियन नूडल्स है, इसके नाम जो लिखा है ये वैसा ही है एग्जैक्टली। बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी होता है एशियन, ईस्ट एशियन फूड हमसे बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी होता है यार। तो कभी भी आप ये लो ना तो बहुत ही कॉशन के साथ खाना है, तो सब जल जाएगा और आपको सुबह ही पता चलेगा वो सब। तो ये सेक्शन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे अलग अलग टाइप के चावल मिल रहे हैं। जैसे ये 5 kg का बासमती राइस है 16.4 यूरोस में। इंडिया गेट बासमती राइस 5 kg 17.55 यूरोस में। तो यहाँ पे अगरबत्तियाँ भी रखी हुई है और मैंने ये वाली ले ली अगरबत्ती, जिसमें उसके अंदर भी ऐसे 6-6 बॉक्स हैं, वो है 3.45 यूरोस की। और ये अगरबत्ती मतलब इतनी पाठ पूजा तो मैं करता नहीं, बट अच्छा लगता है क्योंकि एक स्मेल अच्छी आती है और थोड़ा यार अपनी घर की याद भी आती रहती है। और अगर आप देखो ना तो जैसे इंडियन टाइप की है अगरबत्तियाँ, और ये देखो ना तो ये चाइनीज़ टाइप की अगरबत्तियाँ। तो हमारा कंट्री बहुत डिफरेंट है इंडिया और चाइना, बट आस्था में तो सेम ही है एटलीस्ट। तो ये सेक्शन भी मुझे बहुत सही लगता है, जैसे यहाँ पे आप एज अ स्टूडेंट कुछ क्रेव करें इंडियन अच्छा खाने का, तो आप ये सब ले सकते हो और उसको घर पे जाके गरम कर सकते हो माइक्रोवेव में। जैसे ये है कुछ लिखा है, दिल्ली दाल मखनी, दम आलू, दाल तड़का, छोले, राजमा, शाही राजमा, पनीर,
आलू मटर, तो काफ़ी सब कुछ है जो आप ले सकते हैं यहाँ से। तो एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हम इंडियंस के लिए, ये मसाले मिल रहे हैं यहाँ पे, मीट मसाला, पाव भाजी मसाला, गरम मसाला और ऐसा मिलता है यहाँ पे, और अचार भी मिल रहे हैं साथ में। तो सब कुछ मिल जाता है, बस थोड़ा महंगा होता है। ये जैसे 100 ग्राम्स का मिल रहा है यहाँ पे 2 यूरो का। तो ये था एक छोटा सा टूर एशियन शॉप का यहाँ पे। ये इंडियन स्टोर पर्टिकुलरली नहीं था, बट यहाँ पे हर कंट्रीज़ की चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पे देखा काफ़ी हद तक सब कुछ मिल रहा था। और मैं आपको फिर से याद दिला दूँ, मैं रहता हूँ ड्रेसडन में, तो ये मतलब बहुत ही बड़ी सिटी नहीं है, जैसे म्यूनिक हो गया या फ्रैंकफर्ट हो गया या बर्लिन हो गया। तो उसके हिसाब से यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ चीज़ें थी, बट जैसे मुझे चाहिए था इस पर्टिकुलर स्टोर में, जैसे मुझे चाहिए था घी या तो अचार, ये सब मुझे नहीं मिल पाया। बट और भी इंडियन स्टोर्स हैं, जब मैं वहाँ जाऊँगा तो मैं दिखाऊंगा आपको कि वहाँ पे कैसा सिस्टम है और वहाँ पे क्या क्या मिलता है। बट यहाँ पे तो एशियन स्टोर में ये था, और मैं काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड था कि मुझे दाल तो मिल गई एटलीस्ट जो मुझे चाहिए थी। तो यार, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक इट और सब्सक्राइब करो, वीडियोस बाकी आती रहेंगी।